हाँ जी स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना दिता होया एपी कल्चर का संबंध है, चार ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा जी फूलों की खेती, सेकंड ऑप्शन हैगा जी मधुमक्खी पालन, थर्ड ऑप्शन हैगा मच्छी पालन, तो फोर्थ हैगा जी कैंचुआ पालन। हाँ जी एपी कल्चर का संबंध हुंदा जी मधुमक्खी पालन नाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का सब तो वड्डा नगर किहड़ा सी? जी ए क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी लोथल, सेकंड ऑप्शन हैगा जी चनहुद्दड़ो, थर्ड ऑप्शन हैगा मोहनजोदड़ो, तो फोर्थ हैगा जी हड़प्पा। हाँ जी आप दसना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सब तो वड्डा नगर किहड़ा सी? इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। हाँ जी क्वेश्चन रिलेटिड जानकारी भी आप पढ़ लें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य औजार तीर कमान, गद्दा, भाले, कुहाड़ा, छुरा, तलवार, गुलेल आदि सन। इन्हां दियां मुख्य फसलां कणक, जौ, कपाह, चावल, दालां, खजूर, अनार, नींबू, तिल, नारियल ते सरों आदि सन। पिप्पल, तुलसी, निंब, बबूल आदि रुखां नूं इह पवित्र मंनदे सन। चलदे आं नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा है महात्मा गांधी नूं राष्ट्रपिता किसने कहा? चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी सुभाष चंद्र बोस, सेकंड ऑप्शन हैगा रविंद्र नाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन हैगा जी बी आर अंबेडकर, तो फोर्थ हैगा बाल गंगाधर तिलक। हाँ जी महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता किन्ने कहा सी? जी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी 6 जुलाई 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता दे नां नाल संबोधित किया। महात्मा गांधी नूं महात्मा रविंद्र नाथ टैगोर जी ने कहा सी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी क्वेश्चन नंबर चार, यात्रियों का राजा किहड़े विदेशी यात्री नूं कहा जाता है? जी ए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी अल बुरूनी, सैकेंड ऑप्शन हैगा मार्को पोलो, थर्ड ऑप्शन हैगा ह्यून सांग, ते फोर्थ है तारानाथ। हाँ जी क्वेश्चन दिता है यात्रियों का राजा, तो यात्रियों का राजा कहा जाता है जी ह्यून सांग नू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी चीनी यात्री ह्यून सांग हर्षवर्धन के काल में बुद्ध धर्म बारे जानकारी हासिल करने लिए भारत आया सी। हाँ जी इस तो अलावा ह्यून सांग नू नीति का पंडित भी कहा जाता है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना नैक्सट क्वेश्चन आ जाता जी केड़ी बंदरगाह नूं भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी कांडला, सैकेंड ऑप्शन हैगा कोची, थर्ड ऑप्शन हैगा मुंबई, तो फोर्थ हैगा कोलकाता। हाँ जी क्वेश्चन विच दिता है केड़ी बंदरगाह नूं भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ए कहा जाता जी मुंबई नूं। ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नाल रिलेटिड पॉइंट भी पढ़ लें। यह भारत की सब तो वड्डी बंदरगाह है। संसार की सब तो वड्डी बंदरगाह हैगी है जी न्यूयॉर्क। सुती वस्त्रां की राजधानी कहा जाता है मुंबई नूं। इस तो अलावा भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई नूं कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड भी मुंबई नूं कहा जाता है। सत टापों का शहर भी मुंबई नूं कहा जाता है। हाँ जी मुंबई यूरोप की सब तो नेड़े की बंदरगाह है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है भारत में पहली जनगणना कदों करवाई गई? ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हैगा। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी 1872, सेकंड ऑप्शन हैगा 1861, थर्ड ऑप्शन हैगा 1851, तो फोर्थ हैगा 1882। हाँ जी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट जिहड़ा दिता होया 1872 वो अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी चंद्रगुप्त मौर्या, मौर्या काल के समय चाणक्य की मदद नाल भारत में पहली बार 300 ईसा पूर्व जनगणना करवाई। इस तो बाद लॉर्ड मेयो द्वारा सब तो पहला 1872 जनगणना करवाई गई सी। हाँ जी होर इस दे नाल रिलेटेड आप पॉइंट पढ़ लें कि इस तो बाद लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी तो लगातार जनगणना की शुरुआत की। भारतीय जनगणना हर साल 10 साल बाद करवाई जाती है। हाँ जी 2011 15वीं जनगणना करवाई गई सी। ये आज़ादी तो बाद 7वीं जनगणना सी। हाँ जी जनगणना की शुरुआत हमेशा राष्ट्रपति तो की जाती है क्योंकि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होंदा है। हाँ जी अपना नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है भारत के किहड़े तट ते सर्दियों विच वर्खा होंदी है? चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी कोकण तट,
सैकेंड ऑप्शन हैगा कर्नाटक तट, थर्ड ऑप्शन हैगा जी कोरोमंडल तट, तो फोर्थ हैगा मालाबार तट। हाँ जी, भारत के किहड़े तट ते सर्दियों में वर्खा होंदी है, तो किहड़े तट ते होंदी है जी कोरोमंडल तट ते। हाँ जी, क्वेश्चन नाल रिलेटिड पॉइंट भी आपां पढ़ लैंदे हां। बेंगलोर तो कन्याकुमारी के तट नूं की कहा जाता जी, केरला तट। इस तों इलावा गोवा तो बेंगलोर तक का खेत्र हुंदा जी मालाबार तट, या फिर इहनूं कहा जाता है कर्नाटक तट। कृष्णा नदी दे डेल्टे तो कन्याकुमारी तक के खेत्र नूं कहा जाता जी कोरोमंडल तट, ते दमन तो गोवा तक का खेत्र हुंदा जी कोंकण तट। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता होया है, अरब सागर नाल भारत के किन्ने राज्यों की हद लगती है? जी ऑप्शन दिए हुए ने, फस्ट है जी 6, सैकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है जी 8, तो फोर्थ है 5। आपां दसना है अरब सागर नाल भारत के किन्ने राज्यों की हद लगती है, तो वह लगती है जी 5। ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाएगा। 5 किहड़े ने? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर तो रिपीट कर देना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। हाँ जी, सब तो लंबी हद गुजरात नाल, ते सब तो छोटी हद गोवा नाल लगती है। बंगाल की खाड़ी नाल चार राज्यों की हद लगती है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा है, प्रायद्वीपी भारत की सब तो लंबी नदी केड़ी है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा। 4 ऑप्शन ने, फस्ट हैगा गोदावरी, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी महानदी, थर्ड ऑप्शन हैगा गंगा, तो फोर्थ ऑप्शन दिता हुआ है अपना कृष्णा। हाँ जी, आपां दसना है प्रायद्वीपी भारत की सब तो लंबी नदी केड़ी हैगी है, तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। हाँ जी, गोदावरी नदी को दक्षण भारत की बुढ़ी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये गंगा नदी तो प्राचीन मध्य ढलाण वहन कारण बिरत हालत में होने करके इसनों बुढ़ी गंगा भी कहा जाता है। दक्षण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। साबरमती नदी भारत की सब तो वध प्रदूषित नदी है। ब्यास पंजाब की सब तो वध प्रदूषित नदी है। नाइजर नदी जिहड़ी कि अफ्रीका की है, नू तेल की नदी भी कहा जाता है। राइन नदी नू कोयला नदी भी कहा जाता है, तो लूणी जिहड़ी राजस्थान में है, इस नदी नू नमक नदी भी कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी, ऑपरेशन फ्लड का संबंध की है? इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स दसना है। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देने, ऑपरेशन फ्लड का संबंध की है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है जी सफेद क्रांति, सैकेंड ऑप्शन है नीली क्रांति, थर्ड ऑप्शन है पीली क्रांति, तो फोर्थ है हरी क्रांति। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स दसना है। हाँ जी फ्रेंड, आज की वीडियो जेकर तुहानू चंगी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो को शेयर करो। जेकर तुसी साडे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल में जरूर सबसक्राइब करना, तो नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, उदों तक के लिए टेक केयर।